हरे कृष्ण एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एडूवर्स। दिस साइड योगेंद्र शुक्ला। ओके, अभी मैं आप लोग कुछ पहले पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, प्लीज़ उसको अच्छे ध्यान सुनो। देखो, एक जो अभी पहली सबसे बड़ी जो वीडियो क्वालिटी में दिक्कत है, वीडियो क्वालिटी सही है लेकिन जो ऑडियो में दिक्कत है माइक की, तो उसके लिए मैंने माइक का अरेंजमेंट कर दिया। ठीक है, कुछ दिन में आपको पर्टिकुलर अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। ये जो माइक है, ये मेरा हेडफोन का माइक है, पता नहीं क्यों इसमें जो साउंड क्वालिटी, मतलब क्वालिटी साउंड क्वालिटी सही है लेकिन जो साउंड का लेवल है ना वो लो है, तो उसके लिए मैंने कर दिया है। और हल्की जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, प्लीज़ उसको अवॉइड करिए। ठीक है, आई विल अरेंज इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आई विल प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी वीडियोज़ टू यू ऑल। ओके, ये हो गई बात हमारी। और जो दूसरी बात है, जो मैं एनालिसिस करता हूँ न्यूज़ की, ठीक है ना, मैं जो भी न्यूज़पेपर के एनालिसिस करता हूँ वो लाइन बाय लाइन होता है। ठीक है, बाकी लोग की तरह नहीं है, पर्टिकुलर आपने पीपीटी बना ली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया, उसके बाद आपने उन सब कुछ आर्टिकल्स को कटआउट करके लगा दिया और उसको एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, मेरा उस तरह का नहीं है, मैं न्यूज़पेपर को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, समझता हूँ और उसको आप लोग को एक एनालाइज्ड फॉर्म में, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में डिलीवर करता हूँ। ओके, सो दिस इज़ अनदर पॉइंट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक कि इम्पॉर्टेंट है जान लेना। ठीक है, अब जैसे ये जो न्यूज़पेपर है, मैं चाहूँ तो ये जो पर्टिकुलर जैसे इम्पॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, ये जो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, यानी ये हमारा गवर्नेंस से और मतलब GS2 से डायरेक्टली रिलेट कर रहा है और प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो अब मैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को एक अलग PPT में कटआउट करके लगा के फिर आप लोग को समझाऊँ, तो वो कहीं ना कहीं उतना रीजनेबल नहीं लगता मेरे को। ठीक है ना, उससे मेरा भी टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी समझने की वो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है न्यूज़पेपर में कहाँ पे है। अब इस तरह से आप लोग को पता लग रहा है कि ये जो आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है। ठीक है, तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मैं बुक्स भी एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे M. लक्ष्मीकांत या फिर जो ऑल सब पर्टिकुलर बुक्स हो गई जिनकी आगे चल के और वीडियोस आएंगी, वो भी लाइन बाय लाइन होंगी। ठीक है, मैं एक भी पॉइंट को मिस आउट नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ याद हो जाए, ये चीज़ मतलब आप लोगों को पता लग जाए कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस बुक का है, किस बुक के किस पेज का है। ठीक है, वो आप लोगों को पता लग जाए, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। और साथ ही साथ कोई भी हमसे जो इन्फॉर्मेशन है छूटा, मतलब लैकआउट ना हो जाए, ठीक है, छूट ना जाए, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये मेरा हल्का यूनिक मेथड है, ठीक है ना, आई विल फॉलो इट। अगर आप लोग को सही लगता है तो आप वीडियो वॉच कर सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो, इफ़ यू थिंक इट इज़ बेनिफिशियल रदर देन यू कैन लीव इट आउट। ओके, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग को पता है लाइन बाय लाइन, तो आप कभी भी रिविजन करते हो, आपने उस चीज़ को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा है, ठीक है, उसको गो थ्रू किया 2-3 बार, तो आप लोग को पता रहता है कि वो चीज़ कहाँ पे पर्टिकुलर स्टैंड आउट कर रही है। ठीक है, अगर मैं वीडियो बनाता हूँ कोई भी, ठीक है, एन लक्ष्मीकांत का मान लो, जैसे कि मैंने पार्लियामेंट में वीडियो बनाई, अगर मैं उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ा आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिलती है, उसको मैंने आप लोग को कहा कि यहाँ पे इस पेज पे, ठीक है, तो आप अगर अपनी बुक खोल के देखोगे आपको वहाँ पे वो मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए इजी होगा वो फाइंड आउट करना। और मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है अगर, तो आप लोग को पता होगा कि हाँ इसको रिवाइज करना है। ठीक है, यानी अल्टीमेटली इट विल इजियर फॉर यू ऑल टू गेट थ्रू इट। ओके, इसलिए क्योंकि जो बाकी लोगों की वीडियोज़ होती हैं, ठीक है ना, वो भी सेम ही होती हैं, बस वो लोग जो मेन मेन आर्टिकल्स होते हैं उनको लगाते हैं, ठीक है ना, लेकिन हम मेन पे फोकस करेंगे, साथ ही साथ जो बाकी की छोटे मोटे चीज़ें हैं ना उन पे फोकस करेंगे, क्योंकि UPSC जो है मेन पे फोकस आपका करता है, लेकिन जो कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो कि मतलब एस्पायरेंट्स लैकआउट कर जाते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, उनसे भी क्वेश्चन आने की संभावना, चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना, सो दिस इज़ ऑल, न्यूज़पेपर का एनालिसिस इसी तरह होगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आप लोग के लिए डिस्कस करूँगा और सबको मैं लीव आउट कर दूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ इस चीज़ बात को कंसिडरेशन में रखिए। सो दिस इज़ ऑल यार, ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर आवर न्यूज़ एनालिसिस। ओके, द हिंदू एनालिसिस ऑफ 28th June, ठीक है, तो हल्का मैं कह सकते हो, पहले एक मिनट रुको, हल्का अट्रैक्टिव आप लोग के लिए पेन यूज़ कर लूँ, रेड, ठीक है ना, चलो, तो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो 28 तारीख का जो न्यूज़पेपर है, यानी जो 27 तारीख को जो जो घटना है उसके बारे में देखते हैं। पहले सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है रिलेट टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, इंडिया नीड्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड
कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं, ठीक है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है वो आप लोग को अच्छे से बताता हूँ मैं। इधर पहले इधर देखो, एक बार साइज इसका सही कर लूँ बस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो प्राइम मिनिस्टर हैं सेज द कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेजेस सेम राइट्स फॉर ऑल सिटीजन्स। ही अर्जेस मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर टू अंडरस्टैंड विच पॉलिटिकल पार्टीज आर इंस्टिगेटिंग देम टू रून देम। ओके, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सिविल कोड समझ रहे हो ना, जो कानून है वो भारत के हर एक पर्सन के लिए सेम है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजियस ग्रुप्स के लिए कोई पर्टिकुलर कानून बनाया गया और दूसरे के लिए कुछ और बनाया गया, ऐसा नहीं है। भारत में एक ही कानून रहेगा, वो सब पे लागू होगा, वेदर इट इज़ द मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख एंड द क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है। इंडिया में डाइवर्सिटी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंडिया में डिफरेंट कानून होंगे, ठीक है। उसका इंडिया में सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक ही कानून होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म सिविल कोड, शॉर्टली नोन एज UCC, ठीक है। अब सबसे पहले आर्टिकल को हम लोग हल्का पढ़ते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को हल्का आसानी हो, ठीक है। सो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ट्यूसडे को यानी 27 तारीख को सेड इंडिया नीड अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके हियर एज द कंट्री कुड नॉट रन विद द डुअल सिस्टम और सेपरेट रॉज फॉर सेपरेट कंट्री, ओके। ही वॉज एड्रेसिंग बूथ लेवल वर्कर्स ऑफ BJP इन भोपाल। कहाँ पर एड्रेस कर रहे थे? BJP भोपाल में, ठीक है। 10 लाख से ज़्यादा वर्कर्स थे उस समय। अ स्पीच विच क्लियरली सिग्नल्ड हिज गवर्नमेंट्स इंटेंट ऑन ब्रिंगिंग द UCC। हिज स्टेटमेंट ऑन द UCC कम्स एट अ टाइम वेन द कंट्रीज पॉलिटिकल कैलेंडर फॉर द नेक्स्ट 1 year इज पैक्ड विद असेंबली पोल्स इन द 5 states एंड 2024 लोकसभा, ठीक है। सो एज वी ऑल नो 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, साथ ही साथ 5 और राज्यों में भी चुनाव हैं, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, वो तो चलो पॉलिटिकल व्यू हो गया, लेकिन हम लोग को जो मेन पॉइंट रखना है, मेन चीज़ हमारे लिए वो क्या है कि UCC है क्या, ठीक है, उसके बारे में। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता लगे यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ इन विच द लॉ ऑफ द इंडिया कह सकते हो वैलिड फॉर ऑल द कम्युनिटीज होल द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो ये है कि भारत में एक ही कानून होगा और वही एक कानून पूरी कंट्री को ड्राइव आउट करेगा, ठीक है। नाउ देखो, इट ऑल्सो कम्स लेस देन अ फोर्टनाइट दैट आफ्टर 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया sought fresh suggestions from various stakeholders including public and religious organizations on the UCC. There was also dual messaging in Mr. Modi's address where he urged the Muslim community कि जो मतलब मुस्लिम कम्युनिटीज, उन्होंने क्या कहा कि आपको जो पॉलिटिकल पार्टीज भड़का रही हैं उनसे आप समझिए, वो मतलब वो आप लोग को ऐसा क्यों कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सेप्ट ना करो, उस बात पर हल्का फोकस करिए आप लोग। जो दूसरा है एक मिनट, कलीग्स मुस्लिम्स इन इंडिया विल हैव टू अंडरस्टैंड विच पॉलिटिकल पार्टी आर इंस्टिगेटिंग देम टू रून देम वाइल रीपिंग बेनिफिट्स फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। दीज डेट्स वी आर सीइंग दैट सच पीपल आर बीइंग इंस्टिगेटेड इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यू टेल मी, ओके, ठीक है। सेम राइट फॉर ऑल, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से द डेफिनेशन फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अटैकिंग हिज पॉलिटिकल पार्टी opponents who are using Muslim to further their interest at the okay, ठीक है। अल्टीमेटली यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। उनका उन्होंने एक भाषण दिया, अल्टीमेटली जो BJP गवर्नमेंट का इंटेंट है फॉर गेटिंग आउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इससे क्लियर होता है, ठीक है। अभी देखो ये ओके, ठीक है। तो लेट्स मूव फर्दर, अभी इधर देखो ये कहीं ना कहीं IR से लेट कर रहा है हमारा। ये वाला जो आर्टिकल था ये हमारा GS2, ठीक है, विच इज़ द पॉलिटी गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, उससे रिलेट कर रहा है। और साथ ही साथ ये वाला आर्टिकल भी हमारा IR यानी GS2 से रिलेट कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट चाइनीज रिपोर्टर लीव्स इंडिया आफ्टर वीज़ा एक्सटेंशन डिनाइड, ठीक है। नाउ हियर देखो, 2016 में इंडिया आज 3 ZN हुआ रिपोर्टर्स टू लीव,
इंडिया बिगिन्स इंस्पेक्शन, ओके, जून 2023 लास्ट चाइनीज रिपोर्टर इन इंडिया डिनाइड वीज़ा एक्सटेंशन, ओके, अप्रैल 23 चाइनीज मीडिया प्रेजेंस डिप्स टू बीजिंग आस्क्स टू इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट्स टू लीव, ओके, इधर देखो ये क्या चल रहा है, देखो देयर आर नो चाइनीज जर्नलिस्ट इन इंडिया नाउ, इस समय भारत में जो चाइना के एक भी जो पत्रकार है जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया में रिसाइड नहीं कर रहे हैं, ओके, एक भी पत्रकार ऐसा नहीं है चाइना का जो कि इंडिया में इस समय करंटली हो, द लास्ट रिमेनिंग रिपोर्टर फ्रॉम चाइनाज ऑफिशियल ज़ियांगयून न्यूज़ एजेंसी लेफ्ट न्यू दिल्ली अराउंड 1 वीक अगो, ठीक है, नाउ हियर दिस मार्क्स द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ देयर बीइंग नो चाइनीज जर्नलिस्ट इन इंडिया सिंस द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस इन द 1980, 1980 के बाद ये पहला साल है, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी रिपोर्टर है, एक भी चाइना का रिपोर्टर इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, देयर इज़ करेंटली वन इंडियन रिपोर्टर फ्रॉम द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हु रिमेन्स इन बीजिंग, ठीक है, लेकिन देखो इम्पोर्टेंट नहीं है यार, लेकिन है भी कहीं ना कहीं, कुल मिला के नॉलेज होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है, तो अभी इंडिया का एक रिपोर्टर चाइना में मतलब है, ठीक है ना, द चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री ऑन जून 12 सेड द रिपोर्टर वॉज स्टिल वर्किंग एंड लिविंग नॉर्मली इन चाइना बट सजेस्टेड दैट इट मे टेक काउंटर मेजर्स इफ इंडिया डिड नॉट एक्सटेंड द वीज़ा ऑफ द लास्ट चाइनीज जर्नलिस्ट इन इंडिया, ओके, इन द कंट्री, ओके, ठीक है, नाउ हियर हरासमेंट ऑफ WSJ रिपोर्टर इज़ अनएक्सेप्टेबल सेज वाइट हाउस, द वाइट हाउस ऑन मंडे पब्लिश्ड बैक स्ट्रांगली अगेंस्ट दोज हरेसिंग साबीना सिद्दीकी द वॉल ऑफ स्ट्रीट जनरल रिपोर्टर हु आस्क्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अ क्वेश्चन ऑन डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन इंडिया ड्यूरिंग अ प्रेस इवेंट इन जून 2022 फॉलोइंग मिस्टर मोदीज बायलेटरल मीटिंग विद द US, द वाइट हाउस हैज़ द वाइट हाउस वॉज अवेयर ऑफ द रिपोर्टर्स हरेसमेंट जॉन किरबाय द US नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल्स लीड टू फॉर स्ट्रेटेजिक, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, रिलेवेंट नहीं है, क्या बताऊँ मैं आप लोग को, ठीक है, और एशियन में परफॉर्मिंग फायर लिम्बो, देखो फायर लिम्बो एक पर्टिकुलर आर्ट ऑफ डांस है, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ डांस है, इन द ग्रेट बॉम्बे सर्कस इन कोयम्बतूर, द सर्कस कंपनी हैज़ क्रॉस 100 ईयर्स इन द एंटरटेनमेंट सेक्टर एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स परफॉर्मर्स आर फ्रॉम इथोपिया एंड रशिया, ठीक है, सो ये कौन सा है, फायर लिम्बो डांस फॉर्म है, ओके, ठीक है, अब इधर इम्पॉर्टेंट ये आ गया हमारा, गवर्नमेंट एक्सटेंड डेडलाइन फॉर आधार बेस्ड पेमेंट्स फॉर मनरेगा टू अगस्त 31, ओके, जो गवर्नमेंट है उसने जो मनरेगा की जो पेमेंट है आधार बेस्ड उसका जो डेडलाइन है वो बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए, अब जैसे मनरेगा की बात ही आप लोगों को तुरंत क्लिक होना चाहिए मनरेगा है क्या, 2005 में आई हुई एक योजना है जिसके अंदर 100 डेज रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलता है फॉर द मतलब 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है फॉर द अर्बन पीपल्स, ओके, और अगर गवर्नमेंट इनफेबल नहीं हो पाती है उनको ऐसा करने में तो कहीं ना कहीं वो उनको कैश आउट देती है, ठीक है, नाउ हियर द यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द मैंडेटरी पेमेंट्स फॉर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम वाया द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS ऑन अगस्त, ठीक है, द मिनिस्ट्री, ओके ओके ओके, अब इसमें कुछ हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑन जून 3 आधार हैज़ बीन सीडेड फॉर 13.75 करोड़ आउट ऑफ द टोटल 14.2 करोड़ एक्टिव बेनिफिशरी, ओके, नाउ हेयर ऑफ दिस टाइम 12.17 करोड़ आधार नंबर्स हैव बीन ऑथेंटिकेटेड एंड 77.82% आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर ABPS, अल्टीमेटली क्या हो रहा है अभी देखो, अब जितने भी वर्कर्स हैं उनके घर घर जाके तो पेमेंट दे नहीं सकते, ठीक है, तो सबके पास आधार कार्ड बना हुआ है, ठीक है, उन लोगों का आधार कार्ड जो भी वर्कर्स हैं उनको उनकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को मद्देनजर रखते हुए आधार कार्ड को सामने रखते हुए उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मनरेगा स्कीम के तहत लिव किए जा क्या कहते हैं सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ मैं लिंक्ड किए जा रहे हैं, ठीक है, उनके जो आधार्स हैं वर्कर्स के रूरल वर्कर्स के उनके आधार को
उनके बैंक अकाउंट से मतलब लिंक ही है, उनके आधार को कह सकते हो मनरेगा का जो अकाउंट है एक्टिव पीपल्स का, उससे लिंक किया जा रहा है ताकि उनके आधार में डायरेक्टली जो ट्रांसफरिंग ऑफ मनी है वो पॉसिबल हो पाए। और कहीं ना कहीं एक इजी वे है टू अचीव द गोल ऑफ द मनरेगा। ओके, मनरेगा गोल क्या है? 100 डे रूरल एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, ताकि उन लोगों के पास पैसे की कमी मतलब इनफ अमाउंट ऑफ मनी हो जाए जिससे कि वो अपना जीवन सर्वाइव कर पाएँ। ओके, ठीक है, तो मनरेगा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं पता भी होगा, ठीक है। लेटर ऑन मैं बता देता हूँ आप लोग को हल्का फुल्का, 2005 में आई हुई स्कीम है ये मनरेगा। ओके, उसके बाद और क्या है, बस यही है, 2005 में आई है। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारा क्लास 10th की NCERT में दिया हुआ है, क्लास 10th या 9th आई थिंक, इसी इन्हीं दोनों में किसी एक में है, ठीक है। उसके बारे में हल्का एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब मैं ऐसा नहीं कह रहा आप लोग को, आप लोग सीधा NCERT पे जाओ, कहीं ना कहीं अब इतना मैंने आप लोग को बता दिया। आप इसका ओवरव्यू लेने के लिए गूगल पे तुरंत सर्च मार सकते हो, ठीक है, या फिर मैं आप लोग को बता ही देता हूँ